अब हम PS3 की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये है PS3 स्लिम। तो अब ये इसे खोल लेते हैं। ये रहा हमारा स्लिम का बॉक्स। ये रहा हमारा स्लिम का बॉक्स। इसे चेक कर लेते हैं क्या क्या सामान होता है। हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा एक कंट्रोलर, क्योंकि ये स्लिम में हम खेलते हैं। साथ ही उसके चार्जिंग केबल मिलता है, जिसे हम PS3 में लगा के कनेक्ट करते हैं। एक पावर केबल, जिसे लगा के हम PS3 स्टार्ट करते हैं। एक HDMI केबल, जो टीवी में लगता है हमारे। साथ ही एक AV केबल। तो ये रहा हमारा PS3। और फटाफट इसका सेटअप कर लेते हैं। जो पावर केबल हमें मिला होगा, उसे हमें ऐसे बैक साइड में लगाना होता है, यहाँ उसकी जगह दी हुई होती है। साथ ही में हमें एक HDMI केबल मिला होगा, जिसे हमें इसके पीछे लगा लेना है। अब हम और हमें एक चार्जिंग केबल मिला होता है, जिसे हमें फर्स्ट फोन में लगा लेना है। ये रहा हमारा कंट्रोलर, जिसे हमें स्टार्ट करना है। अब हम PS3 को स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हो चुका है। और ये रही हमारी PS3 की होम स्क्रीन। रिमोट किसे कनेक्ट करना, तो PS बटन दबा दोगे तो यहाँ फर्स्ट लाइट चालू हो जाएगा। फर्स्ट लाइट का ये मतलब होता है कि आपका फर्स्ट रिमोट कनेक्टेड है। अगर आप सेकंड रिमोट कनेक्ट करते हो तो सेकंड लाइट लगता है। ऐसे थर्ड फोर्थ आप कितने भी लगा सकते हो, मतलब चार रिमोट तक आप लगा सकते हो। उसके बाद हम गेम्स में जाएंगे। राइट लेफ्ट आदर से ये रहे गेम्स। गेम से आप इसमें से कोई भी गेम प्ले कर सकते हो, जैसे कि मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ। एक बटन दबा के हमने गेम प्ले कर दिया। ये गेम प्ले हो चुका है। देखिए गेम प्ले हो गया। अब हमें इसे फाइट करना है, तो फाइट करना है तो PS बटन दबा के रखिए। इसे ये जो बटन होती है इसे PS बटन कहते हैं। इस यहाँ चार ऑप्शन आ गया, क्विट करना है क्विट, आप क्विट कर दीजिए, मतलब आप गेम से बाहर चले जाओगे। देखिए जब हम गेम से बाहर आते हैं और हमें दूसरा गेम प्ले करना है, जैसे कि गॉड ऑफ वॉर। तो गॉड ऑफ वॉर गेम के ऊपर आ जाइए। देखिए गॉड ऑफ वॉर गेम इसे प्ले कर लीजिए आप। ये देखिए गॉड ऑफ वॉर गेम प्ले हो रहा है। सेटअप कर लीजिए। ये गेम प्ले हो चुका है। और अब हमें गेम के बाहर आना है, तो ये PS बटन दबा के रखिए। आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे। टर्न ऑफ कंट्रोल, मतलब टर्न ऑफ कंट्रोल करोगे तो आपका जो रिमोट रहेगा कंट्रोलर वो बंद हो जाएगा। टर्न ऑफ सिस्टम, मतलब जो आपका PS3 रहेगा वो बंद हो जाएगा।
कंट्रोल सेटिंग रहेगी तो सेटिंग होती है, और क्वाइट गेम करना है तो आप गेम के सीधे बाहर चले जाओगे, आप क्वाइट गेम कर दीजिए और आपको दूसरा गेम प्ले करना है, आप दूसरा गेम प्ले कर सकते हो। थैंक यू।